दी जाने वाली सारी आंसर की जो है वो स्टूडेंट की डिमांड पर है, और उसके आंसर ना वेरी हो सकते हैं सीबीएसई के आंसर की के साथ, तो एक बार उसको भी वेरी कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आंसर की के साथ, आइएगा। चलिए जी, स्वागत करते हैं एक बार फिर दोबारा धनमित्रा। बेटा अब है आपके पास पेपर टू इंग्लिश, इन्होंने लैंग्वेज वन चुना था उनका, और उसके साथ क्वेश्चंस क्या क्या हैं देखते जाइएगा, हम आंसर डिस्कस करते चलते हैं सीधा सीधा। जो क्वेश्चन नंबर 91 होगा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो बेसिकली यूज होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, और 4 के साथ क्या होगा, एक सेकेंड जस्ट बेटा जी, तो 4 में आंसर क्या है, ग्रामर। 92 का क्वेश्चन कहता है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू रूब्रिक ऑफ असेसमेंट, मतलब असेसमेंट का एक तरीका रूब्रिक जब आप करते हैं ना, चेक किया होगा तो कौन नहीं, तो जो आंसर होगा इसके साथ कौन जोड़ेगा वो करेगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। 93 में कहता है कि एनसीएफ 2000 नोट कौन से का ऑब्जेक्टिव को डिफाइन नहीं, देखिए अगर आप जाएंगे यूज डिक्शनरी सुटेबल, वो एक हल्का छोटा सा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन लास्ट में जो टू नेगोशिएट देयर ओन लर्निंग गोल्स है ना, इवेलुएट देयर ओन प्रोग्रेस, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा ये है कंफ्यूजन कि नेगोशिएट भी ना एक निगेटिव वर्ड था, और ये वाला आप अगर ढूंढेंगे ना तो एनसीएफ में भी नहीं दिखाई दिया ये लाइन, तो इसमें ना बेटर डाउट है। अगर बिल्कुल कम ऑब्जेक्टिव अपर प्राइमरी स्टेज पे जाएंगे तो उसे डिक्शनरी देखना तो कर देते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 मेरी तरफ से आंसर नहीं होगा। जो डाउट है प्लीज एक बार उसमें जरूर चेक करिएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94। जब आपकी लिसनिंग किसी चीज को लेकर स्पेसिफिक हो जाती है लोकेशन, तो वो कहलाती है फोकस। ऑप्शन होगा ए, इफ ए लैंग्वेज टीचर हैज पुट द वर्ड स्कूल टीचर इमीडिएट, ये बेटा सिमेंटिक तो बड़े लेवल पे होता है, छोटे लेवल पे ये सारे वर्ड जो समझाए जाते हैं ये कहलाते हैं लेक्सिकल ग्रुपिंग। एनसीएफ एट दिस इनिशियल स्टेज, मैंने कहा था अगर आप लोगों ने मेरी पिछली एनसीएफ की वीडियो देखी थी तो उसमें भी ये क्वेश्चन ना बिल्कुल एज इट इज पहला ही क्वेश्चन आप देखेंगे एनसीएफ वाले पार्ट में, या हमने कहा आज का सबसे बेहतर पार्ट ये रहा कि धन्वंतरी की जो बुकलेट है ना उसमें से कम जो पेडागोजी के हर पेडागोजी इंग्लिश की, चाहे पेपर वन वाली चाहे पेपर टू, पेपर वन में मैं डिस्कस करने वाला हूं, एज इट इज क्वेश्चंस आए हैं, तो जो बच्चे हमारे थे बिल्कुल उन्होंने देखा होगा बिल्कुल सेम, और सबसे ज्यादा जरूरत तो कल की जो वीडियो आपने इंग्लिश पेडागोजी वर्ड वाली उसमें से भी एज इट इज आए। तो 96 इनिशियल स्टेज पे बेटा ये इंग्लिश होती है, एज इट इज सवाल था, आंसर क्या होगा 4। लिटिल और नो टेंशन अगर किसी में देते हैं तो इसका मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन में होता है, सीएलटी में, कम्युनिकेटिव सिचुएशनल ऑडोलिंगुअल में आप सोचते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 के साथ अगर जाएंगे तो देखिए 98 के साथ अगर आप उसमें प्रिंसिपल सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन में जाते हैं तो अवेलेबल भी होता है, कवरेज भी होता है, फ्रीक्वेंसी भी होता है, लेकिन एक्यूरेसी वाली बात नहीं होती। आंसर क्या होगा, क्योंकि नोट बड़ा ध्यान से इस बार नोट पे बड़ा ध्यान दिया है सीबीएसई वालों ने। The phonemic where is a single word is associated with two or several related meaning, की जो एक सिंगल वर्ड है उसके कई सारे वर्ड होते हैं, तो अगर इस चीज को देखें ना तो आप देखते हैं जैसे फ्लोर के मतलब कुछ होगा, फ्लोर का मतलब कुछ होगा, बेड का मतलब, ये अगर आएगा तो ये थोड़ा सा वो था, लेकिन जब सारे होते हैं तो आंसर एक के साथ जाता है होमोग्राफ। आप इसमें होमोनिम्स भी लगा सकते हैं क्योंकि होमोनिम्स में ना साउंड और दोनों चीजें आ जाती हैं, इसलिए थोड़ा, लेकिन बेस्ट आंसर क्या लगेगा ऑप्शन नंबर 1। द डॉग लिव इन द गार्डन बट शी कैट हू वाज स्मार्टर लिव्ड इनसाइड, देख बेटा कई सारे सेंटेंस को जोड़ के जब बनता है तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है ऑप्शन नंबर ए। आगे कहता है ए स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेज जो कर रहा है क्रैमिंग कर रहा है मतलब रट रहा है, तो किस चीज को नहीं कर रहा, नोट है तो इसका मतलब भी क्या नहीं कर रहा, क्रिएटिव, हटा दो इसको भी। अब क्वेश्चन नंबर 102, ये मैंने कल भी आपको रीडिंग में जब रीडिंग लैंग्वेज स्किल पढ़ाया था, स्कीमिंग पढ़ाया था बेटा, जो आंसर जाएगा क्या जाएगा, स्कीमिंग। चलिए आगे कहता है कौन सा इंटोनेशन, इंटोनेशन के साथ बताया था, टोन रिलेटेड जब होता है तो उसके साथ राइम नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 2। क्वेश्चन नंबर 104 में थोड़ा सा कंफ्यूजन है बेटा, क्योंकि इसको लेके मेरे को थोड़ा सा डाउट है, अगर मैं फिर भी जाना चाह रहा था तो सबसे पहले ना मैं इमेज लैंग्वेज कॉन्सेप्ट के साथ जा रहा था, तो एक बार इस सवाल को ना मैं छोड़ ही जा रहा हूं, वरना आंसर अगर लगाना है तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ चलते हैं। लैंग्वेज जो लेबोरेटरी वाली बात आती है तो किसके साथ जाएगी, ऑब्वियसली बात है लिसनिंग एक्टिविटीज के साथ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 3। देखिएगा ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके लिए अभी और भी वीडियो आ रही है, तो ये पैराग्राफ वाला सवाल था जिसमें आपने क्वेश्चन नंबर 105 के साथ चलते हैं, तो बेटा जो 106 है इसका क्वेश्चन होगा ऑप्शन नंबर C3। उसके बाद जाएंगे तो आगे जा रहा है क्वेश्चन ओनली ए फॉलो करेगा, तो ऑप्शन क्या होगा ए। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 अपना क्या मिलेगा 8, जिसमें पूछे व्हाट इज द कोज इंडिया 90 जो उसमें जा रहा है, तो इसके साथ जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 के साथ। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109 नस्कॉम वाला जो जाता है ऑप्शन नंबर किसके साथ 4 के साथ। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच वन इज नॉट द फॉलोइंग नोट आ रहा है डिफिकल्टी के साथ, तो इसके साथ जो ऑप्शन जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3 कंफ्लिक्ट करने वाला। ऑप्शन नंबर 11 जो जा रहा है वो बेटा देगा ओनली ए के साथ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 112 जो राजा परसिंह जाएगा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 3।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट अपोजिट टू मीनिंग ऑफ द अनडिस्प्यूटेड के साथ जाएगा, डाउटफुल वाला मीनिंग्स क्या जा रहा है, अपोजिट वाला जा रहा है, तो बेटा इसके साथ आएगा ऑप्शन नंबर ए, और लास्ट वाला जो 114 वाला अदर देन के सीज़ डूइंग आईटी वाला जा रहा है, ये जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बोथ ए एंड 2। एक बार नेक्स्ट और देख लेते हैं इसका, इसका जो नेक्स्ट है 114 मिस कर जाएंगे शायद हम पे ना बेटा, इसका एक पेपर छूट गया हमारा। तो आप लोगों के पास ना एक क्वेश्चन है, ये शायद आया नहीं मुझ तक, तो एक मिनट आप वीडियो पॉज करेंगे जी, चलेगा बेटा। तो इसका मतलब एक छूट गया था, अब दोबारा आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, आ जाते हैं किस पे, 115। जो 115 है, व्हाट इज ब्रेकिंग इन ब्रेक ब्रेक, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, पॉइंट का क्या बता रहा है, दिल, तो आ जाइएगा इसके साथ ले लेते हैं ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। 116 के साथ द मोड ऑफ स्पीकर इन ब्रेक 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 ना जो आ रहा है, ये किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर के साथ जाएगा, 4 के साथ कॉम्पिटेटिव, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर मेरा 4 क्या होगा, आंसर होपफुल है, इसीलिए ना इन पैसेज की जो पॉइंट में आती है, चलेगा। 117 द स्पीकर ऑफ ब्रेक ब्रेक जो ये बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ऑप्शन नंबर 2 के साथ। उसके बाद 118 पे आते हैं, ऑप्शन नंबर 2 किसका आंसर क्या होगा, स्पीक। 119 इन द फर्स्ट टू लाइन द पोएम क्या कहता है, तो बेटा जो इसके साथ जा रहा है वो जा रहा है एपोस्ट्रोफी, ठीक है, और लास्ट में कहता है ये कहता फ्रेज हेवन अंडर द, देख बेटा ये किस सेम प्रोनाउंस हो रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है, एलिट्रेशन, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। तो बच्चे ये था हमारी तरफ से पेपर 2 का पूरा सॉल्यूशन इंग्लिश, आशा करते हैं आपके अच्छे से मार्क्स होंगे 120 से भी। अभी थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी पेपर 1 के आंसर की, तब तक के लिए खुश रहिएगा, बाय बाय, हैव अ टेक केयर, गुड डे।